और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं उसके साथ जनता थोड़ी ना है। चुप है यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं भैया, हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस को नफरती बताने के बाद अभी तक आरजेडी के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव चुप थे, लेकिन जैसे ही वो पटना पहुंचे उन्होंने बयानवीरों पे तगड़ा प्रहार किया और जो इशारा है उनका वो जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ। सुनिए कि तेजस्वी ने कैसे उन्हें खरी खरी सुना दी। जेडीयू लगातार आप पर कह रही है कि चंद्रशेखर को लेकर पार्टी में स्टैंड पर क्या करें, क्या आरजेडी का क्या स्टैंड है चंद्रशेखर के बयान को लेकर? मंत्री रामचंद्र, नहीं नहीं, आप समझ लीजिए, ये सब कुछ जो है एक बीजेपी का सोचा समझा साजिश है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं 1.5 साल से ये साजिश जो है चल रहा है। पहले ये लोग बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाना है, फिर ये बात करते थे कि नीतीश जी को गवर्नर बनेंगे, फिर दोबारा बात करते थे कि केंद्र मंत्री बनाया जाएगा, एमपी राज्यसभा भेजा जाएगा, इस तरह की बातें होती रही हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसमें बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं ये इस तरह का साजिश जो है कर रहे हैं लोग। तो हम लोग नीतीश जी महागठबंधन जब से बना है तब से जो हम लोगों का उद्देश्य जो है महागठबंधन सरकार लगातार नौकरी और जाति जनगणना जो हम लोगों का कमिटमेंट था उस दिशा में हम लोग जब काम कर रहे हैं तो फिर से ये लोग जो है साजिश रच रहे हैं। और साजिश रचने में ये लोग क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और कौन कौन लोग हैं इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पहचानते हैं। आप देखिएगा कि महागठबंधन के दो शीर्ष नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और शीर्ष नेतृत्व हम लोग सब लोग मिलकर के महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, दोबारा बना है। तो बीजेपी को 2024 का जो है वो डर है, और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है, और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब जाति जनगणना के बाद एक एजेंडा जो है बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है, भाई पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है? मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है, और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके, लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है हम लोग इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? शिक्षा है। मुद्दा क्या है? रोज़गार है। मुद्दा क्या है? महंगाई है। मुद्दा क्या है? बिहार की तरक्की है, लोग आगे बढ़े, ये हम लोगों की बात होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि चर्चा भैया ना महंगाई ना बेरोज़गारी,
इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? तो हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये सब सारी बातें सब ठीक है। जो लोग अपना एजेंडा तय कर रहे हैं अभी तो ये चलेगा, अभी चल रहा है एजेंडा। क्या भाजपा का एजेंडा? हम लोग शुरू से क्या बोलते आए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर, फिर वहीं आ गए बिहार को लेकर के। एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पे रखा जाए। बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता आए थे ना यहाँ, एक दो यही ट्रेनिंग दे के गए हैं। यहाँ जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं, बीजेपी में जो विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, लोग लगे हुए हैं कि कैसे हूँ कुछ हो जाए। इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले, महागठबंधन जो है वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बताइए, तरह तरह की बातें चलाई जा रही है मार्केट में, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं इसमें कौन है कौन क्या है। आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको बात हो रही है कि अरे भाई शीर्ष नेता कौन है? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना, मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे बयान दे, आप लोग कुछ लोग सब लोग जान रहे क्या हो। तो इसमें नहीं, अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, कहे आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। अच्छा कास्ट से सुन लिया आपने, अब उपेंद्र कुशवाहा क्या बोले थे, क्यों बोले थे, ये भी जरा सुन लीजिए, फिर बात करते हैं कि दरअसल राजनीति क्या है। कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह, कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है, वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना, तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। चुप है यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं? भैया हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। ये है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को पिछले दिनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की कुछ सूत्रों के हवाले से खबर चली, जिसका खुद ही नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया। बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस समय असंतुष्ट चल रहे हैं, कुछ नाराज से चल रहे हैं। इसी बीच मौका मिल गया कि आरजेडी के नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को नफरत पैदा करने वाला ग्रंथ बता दिया, उसकी कुछ दोहे और चौपाइयों को उद्धृत किया। बस क्या था, वहाँ के जो सियासत है वो इस सर्दी के मौसम में एकदम से गर्म हो गई। आरजेडी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि जगदानंद सिंह जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चंद्रशेखर का समर्थन कर दिया। लालू यादव का तो इलाज चल रहा है, वो सिंगापुर में है, और तेजस्वी जो है इस बात को टाल रहे थे कि कुछ न बोलना पड़े, किसी तरीके से आग में जो है पानी डाले। इसी बीच में और नेताओं के साथ साथ जो उपेंद्र कुशवाहा ने बोला, उसमें उन्होंने तगड़ा वार कर दिया आरजेडी और तेजस्वी यादव पे कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं,
और वहीं से राजनीति हो गई गर्म। अब इसके बाद तेजस्वी यादव जो है भड़क गए और जब पटना पहुंचे पत्रकारों ने उनको घेरा तो उन्होंने कहा कि ये जो समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है, वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच हुआ है। वोट मिलता है इन दोनों के नाम पे, उन बयानवीरों के नाम पे नहीं मिलता है। तो बयानवीरों से उनका किसका मतलब है, क्योंकि आरजेडी अपनी पार्टी के तो वो तीन अभी तक घटनाएं हो चुकी है। सबसे पहले कार्तिक सिंह का मामला हुआ था, उसके बाद सुधाकर सिंह का मामला हुआ और अब चंद्रशेखर का मामला हो गया। तो ये परेशान है अपने नेताओं से, ये तो बात एक तरफ हो गई। उधर से वार किसके द्वारा किया जा रहा था, इधर से जेडीयू से अशोक चौधरी आए थे बयान देने के लिए। उन्होंने तो सिर्फ ये बताया था कि चौपाई और संदर्भ कहाँ का है और कैसे चंद्रशेखर यादव ने संदर्भ को बदल दिया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो वार किया वो बहुत तगड़ा वार था कि बीजेपी से ये लोग मिल गए, और क्यों मिल गए हैं, क्योंकि इन्हें मदद की ज़रूरत है। ये बात इन्होंने बोल दी थी, उसी का इन्होंने जवाब दिया। बीजेपी यदि आरजेडी पे या तेजस्वी यादव पे वार कर रही है तो वो विपक्ष में है, वो उसका काम है। लेकिन गठबंधन के अंदर से जो आवाज़ें निकली, वो आवाज़ जो थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा की आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खरी खरी और आरजेडी तेजस्वी यादव के खिलाफ थी। अब बात आती है इधर की आरजेडी में क्या चल रहा है। तो जहाँ जगदानंद सिंह ने समर्थन किया, उदय नारायण चौधरी ने समर्थन किया, वहीं जो है जो शिवानंद तिवारी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो इस पर चल रही थी विरोध कर दिया कि मंडल वर्सेज कमंडल की राजनीति क्या फिर से उठेगी। ऐसा कुछ जगदानंद सिंह ने कहा था, कमंडल को नहीं चलने दिया जाएगा। तो शिवानंद तिवारी ने कह दिया था कि ऐसा कोई पार्टी में डिसीजन नहीं हुआ है, यदि ऐसा का डिसीजन करना है तो पहले पार्टी की मीटिंग बुलाइए। तो वो आरजेडी के अंदर का रिफ्ट है। लेकिन तेजस्वी ने अभी जो खरी खरी सुनाई है उपेंद्र कुशवाहा को, उसके बाद देखते हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलते हैं। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।